वेलकम बैक दोस्तों, ये है पिछले सीजन में हमने कुछ और हार्वेस्टिंग किया हुआ प्लांट इंडियन स्नोबेरी का। मैंने इस प्लांट को पसंद किया था, यहाँ बहुत ही अच्छी ब्रांचिंग भी थी, मगर ये पूरा डाईबैक हो गया था। कभी कभी ऐसा होता है। उसके साथ एक दूसरा प्लांट था ये, और ये अच्छे से सर्वाइव हुआ है और उसका जो रूट स्ट्रक्चर है वो अच्छा है। ये दूसरा प्लांट है, मगर एक दूसरे के साथ भी हम रहने दे सकते हैं। ये जो बड़ा वाला प्लांट था उसके एक ही ब्रांच सर्वाइव हुई है, तो यहाँ से ये डेवलप हो सकता है। तो चलिए मैं उसको कुछ स्टाइल कर देने की कोशिश करूँगा। ये अभी भी हार्वेस्टिंग बैग में ही है और कुछ दिन ऐसे ही रहेगा, और बाद में मैं उसको एक जैसे ही नया पॉट बनाऊँगा मैं उसको पॉट दे दूँगा। तो चलिए मैं वायरिंग कर लेता हूँ। तो मैंने ले लिए है दो वायर, और यहाँ से एक नई ब्रांच ग्रो हो चुकी है और ये लीडर की तरह है। तो यहाँ एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग लगता है दोस्तों, यहाँ मेन स्टेम के साथ, उसके बाद ऊपर की वायरिंग होती है। जैसे कि यहाँ से एक नई शुरुआत होती है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो एक एक वायर करके आप इस तरह से वायरिंग कर सकते हैं। बाद में उस दूसरे वायर से आप फॉलो करते जाए पहली वायर को। ये दोस्तों एल्यूमिनियम की सुपर एनिमल वायर है, जो कि मोटर वाइंडिंग में यूज होती है, और वायर ट्रेडर्स होते हैं बड़े बड़े सिटीज़ में, वहाँ जो वायर का व्यापार करते हैं, उन लोगों से मिलिए, बात कीजिए, आप लोगों को मिल ही जाएगा। अलग अलग मोटाई में मिलते हैं। अगर आप बोनसाई वायर करके लेने जाएंगे तो यही वायर आपको ज़्यादा दाम चुकाने के बाद मिलेंगे या बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। तो यहाँ मैंने वायरिंग कर लिया। अब एक ही ब्रांच छूटी है और उसको यहाँ किसी दूसरे छोटी ब्रांचों से एंकरिंग नहीं कर सकते, ऐसे में क्या करेंगे हम? तो नीचे जो ब्रांच है उसी में से हम एंकरिंग कर लेंगे यहाँ से। यानी इस वायर को यहाँ कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से हम एंकरिंग कर सकते हैं। और यहाँ इंटरनोड आता है, वहाँ हम वायरिंग के एंगल को स्किप करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये देखिए वायरिंग हो गई है और एंकरिंग यहाँ नीचे से की है हमने, और इस एक ब्रांच को वायरिंग करनी है तो क्या करेंगे देखते हैं। तो वायरिंग कर लिया है मैंने, और कुछ दिनों में उसको पॉट भी दे देंगे। स्टाइल के बारे में बाद में सोचेंगे। ये दो प्लांट है एक दूसरे के साथ, उसको अलग भी कर सकते हैं, या उसको मुझे उसकी दूसरी साइड में लाना है, बाद में उसको देखेंगे। अभी एंकरिंग करने के लिए उसको दोनों को साथ रखा है मैंने। तो इस तरह से हमने वायरिंग कर लिया है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली बार हम कुछ काम करेंगे तो डेड वुड के साथ भी काम करेंगे। तो यह है स्नोबेरी, और अभी तक ये हार्वेस्टिंग बैग में ही है। और दो प्लांट थे, बड़ा प्लांट जा चुका है, एक ब्रांच थी वो भी डाइबैक हो चुकी है, और छोटा सा प्लांट ग्रो हो रहा है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ अच्छे ही लगेंगे, एज अ डेड वुड रखेंगे हम, पर भी अच्छा स्ट्रक्चर है। तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव भी होता है, अच्छे से फाइबर रूट भी जनरेट करता है, तो बोनसाई के लिए अच्छा होता है। अब उसमें फ्रूट आते हैं या नहीं कह नहीं सकते, सिर्फ एक बार फ्रूटिंग हुई थी मेरे प्लांट में, वो तो सेल हो गया। तो चलिए इसके साथ क्या कर सकते हैं, इसको कोई अच्छे सपोर्ट भी दे देंगे हम, क्योंकि अभी भी ये ग्रो कर रहा है। चलिए दोस्तों, एक पॉट है मेरे पास ब्रोकन, उसमें इस प्लांट को सेट करने के देखते हैं। यहाँ जहाँ ब्रोकन है वहाँ मैंने एक स्टोन चूज़ किया है जो कि अच्छे से बैठ रहा है।
यहाँ अच्छे से सेट हो जाएगा ये इस तरह से। ये मैंने पहले भी देखा है सेट करके। तो ये हम यहाँ एक रोप को सेट कर देंगे इस तरह से और प्लांट को रख देते हैं इस तरह से, लॉक हो जाता है ये। तो चलिए मैं प्लांट को निकाल लेता हूँ। तो हार्वेस्टिंग के बाद मैं इस तरह से प्लास्टिक में रैप ही कर लेता हूँ प्लांट को, पूरा एयर लेयरिंग की तरह हो जाता है। एयर लेयरिंग हम प्लांट पे करते हैं, ये प्लांट को हार्वेस्टिंग करने के बाद का लेयरिंग है। उसको पूरा बांध लेता हूँ मैं। अगर प्लांट हार्वेस्टिंग के बाद सर्वाइव होता है और अगर प्लांट को पानी की ज़रूरत महसूस होती है या डिहाइड्रेट लगता है तो मैं दे देता हूँ पानी प्लांट को। तो ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता मैं, उसको सीधे पोट में रखूँगा मैं। ड्रेनेज होल नहीं था, बना दिया है। ये पोट बहुत पुराना है, मैंने स्कूल डेज में ख़रीदा था। 10 रुपये का पोट था, ब्रोकन भी हुआ है, आज बरसों बाद भी ये काम आ रहा है मुझे। तो यहाँ दो प्लांट तो नहीं कह सकते क्योंकि एक जा चुका है, मगर ये उसके साथ अच्छा जा रहा है। लीजिए दोस्तों, रेडी है हमारा कंपोजिशन। ये भी अच्छे से बैठ चुका है और चिपकाया भी नहीं, मगर मैं यहाँ कहीं कहीं सीमेंट मिक्सचर लगा दूंगा। और पूरा कंपोजिशन का फोटो नहीं आ रहा, नहीं तो ये बड़ा अच्छा लगेगा। इस तरह के कुछ होते हैं लिटरेटिव प्लांट्स जो कि इस तरह के पोट में होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं दोस्तों अपडेट के बाद, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ कुछ मॉस भी रखी जाएगी, अच्छा लगेगा।